आप मुझे इस समय देख रहे हैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, मेरी जन्मभूमि आगरा से, और ये स्टेशन परिसर है, बहुत ही शानदार मैनेज। ये देखिए, ये एक गेट है, एंट्री एंड एग्जिट गेट, इस पर हमेशा लॉक लगा रहता है। जब हम कॉलेज में छात्र हुआ करते थे उस समय ये नॉर्मल गेट हुआ करता था, कोई भी व्यक्ति यहाँ से आ जा सकता था। अब इसको VIP गेट का दर्जा दे दिया गया है। यार, ये अंग्रेज़ों की गुलामी कब तक करते रहेंगे हम? कोई VIP नहीं है इस देश के अंदर, कोई भी VIP नहीं है। जो देश के लिए जान देते हैं सैनिक, उनके अलावा कोई भी VIP नहीं है। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कॉम्पिटेंस, अपने एजुकेशन के हिसाब से उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गवर्नमेंट ने दी हुई हैं, या प्राइवेट सेक्टर ने दी हुई हैं, या उसका खुद का बिजनेस है, तो अपनी जिम्मेवारी से संभाल रहा है। तो VIP किस बात का हो गया? है का VIP? आप MLA MP हैं तो VIP कैसे हो गए? आपको जनता ने चुना है जनता की समस्या सुनने के लिए। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं VIP, लेकिन ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति VIP हो। IAS बन गया तो VIP किस बात के? VIP भाई, आपने एग्जाम पास किया, आप सर्विस कर रहे हो, VIP कैसे हो गए? ये अंग्रेज़ों की गुलामी कब तक करते रहेंगे हम? दोबारा से अब इस गेट से सिर्फ जो बड़े बड़े अधिकारी हैं ये उनके लिए है, या फिर जो मंत्रीगण आते हैं उनके लिए है। क्यों भाई, ये गुलामी की निशानी कब तक रहेंगी हमारे हिंदुस्तान में? सब एक बराबर है भाई, कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि हर व्यक्ति के लिए VIP। क्या VIP? जय हिंद, जय भारत दोस्तों, खुश रहें, आबाद रहें, और इस मुद्दे पर विचार करें।